please join me in welcoming him by singing a very simple song, which is Happy Birthday. Please gaenge saath mein mere? Of course gaenge. Kyun nahi gaenge? All right. On the count of three. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shah Rukh. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. It's amazing. Thanks. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. आप सबका ऐसा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे तो लगता है यार रुलाओगे क्या. Thank you very much. God bless you all for being here and I hope you enjoyed the trailer. और जो पीछे भी बैठे हैं मुझे सब दिख नहीं रहे बट यार थैंक यू गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज गॉड ब्लेस यू थैंक यू यार थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बाकी सब बातें होती रहेंगी. आई थिंक एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवा यहाँ पर नहीं आ सके वो मेरठ में ही हैं तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख कर भेजी है तो मैं वो चिट्ठी पढ़कर आपको सुना देता हूँ. उन्होंने अपना गमछा भी देकर भेजा मुझे उससे मैंने अपनी शर्ट बना ली कच्छा भी दिया लेकिन वो मुझे फिट नहीं आया. सो मैं उनका ख़त है आपको पढ़कर सुनाता हूँ. मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो. थोड़ा लंबा है दिल में थोड़ा पेशेंस रखिएगा. मुझे पता नहीं शाहरुख खान को लिखी मेरी ये चिट्ठी कौन पढ़ने वाला है पर जो भी पढ़ने वाला है वो ज़रा बाबुलंद आवाज़ पढ़े क्योंकि खान साहब आप आसमान से बस थोड़ा ही नीचे हैं. सच बहुत बोलता ही है और मैं ज़मीन से बस थोड़ा ही ऊपर. आप तक मेरी बुलंद आवाज़ ही पहुँच सकती है. आज सुबह ही मेरठ के अखबारों से पता चला कि जन्मदिन है आपका तो सोचा कि आपको हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कर दूं जो सिर्फ आपने हमें दी है. मोहब्बत में अदा लाने के लिए शुक्रिया. पुल पे बाहें फैलाने के लिए शुक्रिया. किरण को किरण बुलाने के लिए शुक्रिया. बाल माथे पे गिराने के लिए शुक्रिया. चलती ट्रेन की छत पर गाना गाने के लिए शुक्रिया. और गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को बराबर का प्यार बांटने के लिए शुक्रिया. बस यूं समझ लीजिए कि आपके अपने होने के लिए शुक्रिया. खान साहब आप में और मुझ में कुछ एक जैसा नहीं है पर उम्मीद करता हूँ कि जब भी मिलें एक दूसरे में बहुत कुछ ढूंढ लें एक जैसा. आप मुझे नहीं जानते मेरा नाम बउआ सिंह है और मैं सिर्फ मेरठ का हूँ नहीं मैं खुद मेरठ हूँ. मैं सहारनपुर हूँ मैं जैसलमेर हूँ मैं त्रिची हूँ इंदौर हूँ अमृतसर हूँ. इस देश का हर चौराहा हूँ कस्बा हूँ पान की दुकान हूँ. आपके सामने नीले सूट में बैठी लड़की हूँ लाल शर्ट पहना वाला लड़का हूँ. आप शहर हैं तो मैं गांव हूँ आप बादशाह हैं तो मैं फ़कीर हूँ. एक और बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. थोड़ा सा आपका बाकी पूरे देश का बउआ सिंह. सो थैंक यू बउआ सिंह. वो यहाँ पर नहीं है और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को सवाल जवाब भी करने हैं. ट्रेलर सबको आई उम्मीद है कि अच्छा लगा. अब नहीं भी लगा अब तो बाहर आ गया अब तो कहना ही पड़ेगा. यहाँ बैठे कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर सबसे पहले शुड आई कॉल आंसर ओके ऐसा हम एज बिफोर ब्यूटी कर रहे हैं आज. सो सबसे पहले मेरे बहुत ही करीब दोस्त बन चुके हैं ये दो ढाई साल में. दो लोग हैं इस फिल्म में एक हिमांशु और एक आनंद सर जो मुझे दो ढाई साल पहले मिले और उनका एक ख्वाब था कि एक फिल्म बनाएं जो एक वर्टिकली चैलेंज्ड पर्सन के ऊपर है और एक लड़की के ऊपर है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है और एक और एक लड़की के ऊपर है जो इमोशनली इनकम्प्लीट है. और मुझे इस बात में बहुत 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 फ़ख्र है कहने का कि इन दोनों का बिलीफ है जो आज ये पिक्चर ट्रेलर आप देख रहे हैं फिल्म आप देख रहे हैं हम सब जितने भी लोगों ने इस फिल्म के अंदर भाग लिया है और मैं लड़कियों के तरफ से भी ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं पर हम सब का कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस टूटा ज़रूर. हमको कभी कभी लगा कि यार ये हो जाएगा ऐसा नहीं होगा लेकिन विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम का लेकिन दो इंसान हैं अगर वो ना होते जिन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा होता तो ये फिल्म कभी नहीं बन पाती. और इस वक्त भी बैक स्टेज जब हम खड़े हुए हैं बीच में कटरीना का कॉन्फिडेंस टूटा फिर उसके बाद अनुष्का का टूटा फिर मेरा तो टूटता ही रहता है. हम अल्फाबेटिकली भी नहीं जा रहे हम बस अपने कॉन्फिडेंस टूटता रहता है. तो ये दोनों जो हैं हमें संभाले रहते हैं और सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं उस कॉन्फिडेंस से नहीं अपने प्यार से अपने दुलार से और हमको बार बार गले लगा के. सो पहले मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं होती ये फिल्म नहीं होता
तो हम तीनों एक्टर्स का और बाकी सारी टीम का जो कलर येलो से है और रेड चिली से है और जितने भी लोग हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता. सो प्लीज़ द राउंडेस्ट राउंड समझ गए ना यार. loudest round okay, loudest round of applause for the man who's made this dream come true. And he's genuinely more than a director, he's a brother, he's a friend, a father figure, aur set ke official halwai bhi hain. So please call on stage the one and only Anand L. Rai. और हमारी सारी टीम यहाँ सामने बैठी हुई है और सब आनंद सर के बारे में यही समझते हैं. अब मैं उनको आमंत्रित करूँगा जो तो हमारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और जेन्युइनली बहुत डिफ़िकल्ट रोल्स हैं दोनों के दोनों. आनंद सर ने जब शुरुआत की थी, जैसे मैंने कहा, बिलीफ हमेशा एक आदमी का होता है, बाकी सब लोगों को उसके साथ जुड़ना होता है. सो दे वर ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको कभी ना कभी लगता था कि यार ये सही जा रहे हैं, ऐसा करूँ नहीं करूँ. There are so many issues actors have, stars have, me the most of them. I'm insecure at times, I'm overconfident at times, I'm happy at times, I'm extremely sad at times, I'm happy with what I've done, I'm even happier and sadder what I shouldn't have done and what has gone out of my hand, what has come into my hand, and all these things come together and make you feel loved when you do the right film. And these two girls, I'm sure, they've never expressed because they've been my friends for years and I love them the most, honestly. मेरे बहुत हैं दोनों, बहुत करीब, इतने करीब हैं कि इनको मैं डांट भी सकता हूं और मैंने डांटा भी है, उसके लिए भी माफ़ी मांगूंगा पर्सनली, आपके सामने नहीं. एंड आई वुड लाइक टू कॉल बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज बिकॉज इफ इट वॉजन फॉर देम, जेन्युइनली दीज रोल्स आर सो डिफिकल्ट, सो डिफरेंट, एंड यू नो कैन मेक यू वेरी वेरी शेकी एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दे रियली एसेड इट ब्यूटिफुली विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव. Mostly for Anand sir, for Himanshu, and then me. So please give again the loudest, roundest, loudest, whatever, for Katrina Kaif and Anushka Sharma. आप यहाँ बैठो बीच में, आप दोनों बीच में, बीच में गोपियाँ, आसपास कन्हैया. ये हो गया. और I think I'll just request them to say hello and then we'll get on with. Whatever queries you have, answer. Would you like to say something? नहीं सर, पीछे खड़े पूरे पसीने छुटवा दिए, इतना बोले आप, मतलब मेरे को लग रहा था इस बार बहुत कॉन्फिडेंस से आऊँगा, पर खान साहब ने जितना बोला है हम सब के बारे में, मतलब बहुत छोटा कर दिया सर आपने, मतलब सबको अपनी हाइट का लेकर ही आऊँगा. छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं. So I request कटरीना और अनुष्का, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भुआ सी नब्बे पूरे साथ में चलो, ये लो एक साथ कर सकते हैं. हेलो, सेम चीज भी बोलनी पड़ेगी हम साथ साथ, हम इतने कनेक्टेड हैं, हम तो उनके मुंह से वही शब्द. मैं शर्त लगा सकता हूं कि एक लाइन में इनको दूं और ये दोनों साथ में बोल दें पहली बार तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. आप दोगे? हाँ, मैं लाइन देता हूँ. चलो टुगेदर यू हैव टू से ओके, रेडी. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक, आता है तो फिर क्या, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. से टुगेदर कोई चांस ही नहीं है. ठीक है, से हेलो टू देम एटलीस्ट ना प्लीज. हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एंड विद ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज सच अ स्पेशल डे. इट्स बीन अ वेरी नॉस्टैल्जिक डे फॉर मी. आई एम रिमेंबरिंग द लास्ट फिल्म दैट वी ऑल डिड टुगेदर एंड हाउ मच फन वी हैड, व्हिच ऑफ कोर्स वाज जब तक है जान. We all had such an amazing time. Since then, just today is bringing back all those memories. Thank you, Anand sir. Thank you, Shah Rukh, for having us here and being part of this amazing film. Hi, everyone. I think it's very special, not just because it's Shah Rukh's birthday, but also because of the people involved in this film. We've already met most of the crew that worked on this film. I think everyone's really given in their everything. And I've always said that this film is really like their child, you know, Anand sir and Shah Rukh. And I think thank you for taking us along on your journey and being so kind to us and being so good to us and giving us the opportunity to portray the characters that, you know, that we have.
I don't know why I'm talking for Katrina and me, but like we have. But I really do think it's a very special film because of the people. And I think it's the people who work on a film that really makes it special. And this is a bunch of really, really genuinely special people. So thank you. Thank you, Katrina. Thank you, Anushka. And I think we'll. Yes, yes. मैं वही सोच रहा था कि अब मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है बट आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके दिमाग में उठ रहे हैं आपके दिल में उठ रहे हैं तो एक एक करके आई पॉइंट टूवर्ड्स यू एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत करें सर इधर से सर आप पहले बताएं बोलिए ना बोलिए दिस साइड मेरा माइक के लिए वेट करना नाम बोल के बोल देना प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू Sir, one question. Sir, how do you deal with stress and anxiety? Since in today's generation, you know, many people have lot of stress and anxiety, especially the teenagers and, you know, the people in their early 20s. So how do you deal with stress and anxiety? Because you must be having so many issues, sir. I'm sorry, can I ask you a question? Why have we started with this question? Like, we are on a health forum. हम लोग मतलब किसी like health forum में बात करने आए हैं यहाँ पे. Just पहले मुश्किल चीजें खत्म कर ले फिर कुछ हंसी मजाक ये ट्रेलर देखने के बाद आप स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं स्ट्रेस हो गया कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है ना बहुत कलरफुल है ओके बाकी बोल रहे हैं बोल देता हूँ मैं यार कुछ ऐसा नहीं है हमेशा मैं फलसफे की बात करता हूँ तुम यंग हो एंड यू आर सेइंग दिस सो आई शुड टेल यू गुड थिंग्स आई शुड नॉट मेक लाइट ऑफ दिस स्ट्रेस एंग्जाइटी हर चीज़ होती रहेगी लाइफ के अंदर और वो कभी कम नहीं होगी आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी कॉलेज में है नौकरी में कम होगी नौकरी में है शादी में कम होगी बच्चों में है पर बच्चों में नहीं होगी ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है फिल्म का डायलॉग नहीं है जेन्युइनली मैं आज 53 ईयर्स का हो गया हूँ तकरीबन आधी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये मेरी लाइफ का फ़लसफ़ा है उस जॉब में हूँ जहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे जिंदगियाँ बदलती हैं बनती हैं टूटती हैं मेरी खुद की फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं बहुत ख़राब बनी हैं बहुत दुख हुआ है बहुत हंसी आई है बहुत चोटें लगी हैं कुछ चीज़ें सही हुई हैं बहुत सारी गलत हुई हैं आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 ही फिल्में मेरी चली होंगी ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस रेट है और हर बात पर दुख होता है हर बात पर खुशी होती है बट वो फिल्म की लाइन है अंत में सब ठीक हो जाता है सो यू हैव टू रियली रियली बिलीव And I really believe in this. और ये genuine बात है दिल में रखना ये कि अंत में सब ठीक हो जाता है क्योंकि अगर ठीक ना हो तो वो अभी अंत नहीं है पिक्चर अभी बाकी है और ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपका भी कोई लाइफ वाला सवाल है नहीं नहीं पति आज तो स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे है सबसे पहला सारे विश कर देने हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान शाहरुख जी सब तो पहला ऐ जानना चाहूंगा मैं पीटीसी पंजाबी पंजाब तो आया स्पेशली ते आज सवेर तो लेके हजे तक अपने जन्मदिन च की कीता तुसी उठन तो बाद यार मैं अभी ना मैं किसी को बोल रहा था कि मेरे को ना ऐसा लगता है जिंदगी के अंदर कुछ भी चीज ओन नहीं करनी चाहिए मतलब अपनी नहीं होनी चाहिए और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरा जन्मदिन भी अब मैं ओन नहीं करता हूँ तो मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं ना घर वालों से मिलता हूँ नहा लेता हूँ क्योंकि अच्छा होता है जन्मदिन के लिए नहाना It's a good thing. You always remember on your birthday, take a bath. Otherwise, तो जुमा जुमा ही होता है मेरा. So I take a bath on my birthday, and मैं जाके सिर्फ लोगों से मिलता हूँ. आप लोगों से मिलने का मौका आज फिल्म की वजह से मिला. Otherwise भी मिलता मैं. तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं यार. Special सिर्फ मैं लोगों को मिलता रहता हूँ और बहुत खुशी होती है because इतने सालों बाद भी इतने सारे लोग मुझे अभी भी प्यार कर रहे हैं मेरी हरकतों के बावजूद भी. So it's nice. There's a question. एक second. There's a question coming from the lady on this side. Yes, ma'am. Anand ji, here. Oh, there. Anand ji. उस तरफ पीछे. Fourth row. आपके जो production की कहानियाँ हैं हम देख रहे हैं एक दो सालों से देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और आम आदमी की जीत की कहानी होती है तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है जीरो और जिस तरह की फिल्म है ट्रेलर से हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो ये एक आम आदमी की जीत की कहानी है या उसके हार की कहानी सर क्वेश्चन जीरो पे लेकिन पांच मार्क का क्वेश्चन है पांच मार्क्स का हाँ ये यहाँ इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व होगा तो वो एक फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए नहीं ये बिल्कुल जीत की ही कहानी है इसका टाइटल जीरो भी इसी वजह से ही है कि
हम लोग बहुत सारे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ये कुछ नहीं है, और उसमें बहुत कुछ होता है। वो रिश्तों में भी मैं गिनता हूँ कि कई बार हम रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोगों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो फॉर ग्रांटेड ना लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान को या किसी भी रिश्ते को। तो ये एक इंसान की जीत की ही कहानी है जो खुद से लड़के अपनी विक्ट्री पर निकलता है। Hello, Sakshi Desai. Hello, from where are you? Yeah, here. There. Yeah. Okay. Happy birthday, Shahrukh. Thank you, Sakshi. My question to you all is, when was the last time you felt like zero and why? Depending on what you see as zero. As in, like, you all are very successful. So when was the last time when you felt like a loser? Because like most of us feel that, oh, you people don't have any problems in your life, but I'm sure it's not the case. So when was the last time you felt like a loser or like zero, as we call it? मैं हर बात पे loser feel करता हूँ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे को, मैं अपने एक परसों दोस्त के साथ था जो बहुत famous और I think हमारे देश के सबसे बड़े actor हैं, आमिर के साथ। और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू ऐसा क्यों है शाह, ऐसा क्यों करता रहता है तू, सोच क्यों रहा है ऐसा तू। और फिर मुझे मालूम पड़ा बात करते करते कि वो भी ऐसा ही सोच रहा था। तो वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा था सरप्राइज से, वो इसलिए पूछ रहा था कि आंसर चाहिए था कि मैं क्या करूं। तो क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं। आई थिंक आनंद सर दोस्त से भी ज़्यादा हैं, भाई हैं। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पे आप ज़ीरो फील करते हो। जैसे छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो। अभी मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने उसको कहा मेरे पास बैठ, फिर वो बैठा नहीं, मेरे पास चला गया। तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी, कैसा तो नहीं मैं फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं टाइम नहीं लगा रहा। और एक दिन मेरे को ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट के, क्या वो काट के कालीन में हीरों के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। जमींदार साहब, तो मुझको बहुत लूजर फील किया मैं उसको यार। फिर मेरी बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाकी दो बच्चे भी यही समझते हैं, फिक्र मत करो। सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज़ में ऐसा फील करता हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं है, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है। I just feel I work harder when I think I'm not good enough. I always feel I'm not good enough. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे 5 एक्सप्रेशन हैं। मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। सो देर इज़ अ क्लोजनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू जीरो। शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर आपके राइट में। शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है, तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या। आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का। सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स टुगेदर। मैं जिस जगह पर मैं बैठा हुआ, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा। मालूम है कहाँ बैठा हूँ मैं, तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये? इसीलिए तो पूछा। ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? शर्म आनी चाहिए तुझको। Maybe we move to our next question. Can we all, okay? Listen, ladies and gentlemen, can we also stick to the questions of the film? आप तो अपनी ज़िंदगी के सारे issues जो हैं, उन पे सवाल पूछ रहे हैं। सर आपका सवाल फिल्म पे है? बताइए। Hello. एक्चुअली ये मैं सवाल जो है ना, मैं थोड़ा सा बोलूँगा, बट आई वुड जेन्युइनली टेल आनंद सर टू टेल यू। क्योंकि ना यार ये जैसे सर ने लिखी है हिमांशु के साथ और हेमल हमारे जिन्होंने एडिट की है, जो मेन क्रिएटिव फोर्स है इस फिल्म की, उन सबका जो एक बहुत अलग सा टेक है यार मोहब्बत पर। बहुत इमोशनल लोग हैं,
बहुत इंटेंस लोग हैं और मोहब्बत में जेन्युइनली मानते हैं, लेकिन और मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारी और भी क्रिएटिव अजय अतुल यहाँ पे हैं, इरशाद भाई यहाँ पे हैं, बॉस्को, बहुत सारी टीम है जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है, चाहे वो गाने में है, लिरिक में है, डांस में है, हमने लाइनों में है, एक्टिंग में है, जोन में है, जो भी चीज़ों के अंदर यार ऐसी मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है मैंने अपने 27 सालों में नहीं किया है. सो इट्स अ वेरी डिफ, मैं बोलूँ उसको तो छोटा हो जाएगा, मैं बोलूँगा बड़ी इंटेंस है, बड़ी शिद्दत है, बड़ी कमाल की मोहब्बत है, बहुत फैलाव की मोहब्बत है. आई थिंक थोड़ा सा मैं उसको छोटा कर दूँगा, बहुत असली मोहब्बत है यार, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो मैंने की, मैं सीन बोल नहीं सकता, बट और ये भी बताऊँगा मैं, हमारी बाकी टीम में भी यहाँ पे बहुत सब लोग हैं, राहुल दा, मनु, बहुत लोग हैं हमारी टीम, कई बार वो सीन देख के उनको भी लगता है ये होना नहीं चाहिए सर, ये कैसे पुश कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए. और कई बार ये भी बोला गया है, और मैं बताऊँगा कि शाहरुख खान से तो थोड़ा सा लोगों को एक्सपेक्ट, बट ये बहुत असली मोहब्बत है यार. सो इफ़ आई वॉन्ट टू से कि चांद तारे वाली मोहब्बत है, आसमान वाली मोहब्बत है, जुपिटर सैटर्न वाली मोहब्बत है, पानी के अंदर चले जाने की मोहब्बत है, मर जाने की मोहब्बत है, फना हो जाने की मोहब्बत है, एक्चुअली इन सब मोहब्बतों से जो असली मोहब्बत है वो ज़्यादा बड़ी होती. सो आई थिंक इसमें बहुत असली मोहब्बत है, और मैंने कहा था बहुत कम बात करूंगा तो इसलिए मैंने बहुत कम बात की. लेडीज, ओके, आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, दो सवाल हैं मैं आप दोनों से इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ. कटरीना, आई हैव सीन यू प्ले सो मेनी रोल्स, लेकिन I've seen you play so many roles. Okay. खूबसूरती छुपी रहे अच्छा थोड़ा लगता है यार. How is it to play your own profession on screen? What you are in real life? वो रियल लाइफ से रियल लाइफ पे लेके आना वो मुश्किल था, वो वाज जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क. सो द प्रोफेशन इज द सेम, एज इन आई एम प्लेइंग एन एक्टर इन द फिल्म एंड आई एम एन एक्टर इन रियल लाइफ, बट द पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट एट ऑल लाइक मी. आई थिंक आई एम फेयरली वेल बिहेव्ड एंड अ फेयरली सेंसिबल पर्सन. एंड झूठ 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 हम बताते रहेंगे, जो जो झूठ बोलेगी हम बोलते रहेंगे. ओके, ठीक है. And this character, the character's name is Babita in the film, and I think what Anand sir kind of... And your real name is? Katrina. Such. And I think, honestly, for me, it was just such an incredible experience working with Anand sir. The journey he took me on in this film was really unexpected for me, but most importantly, it was new for me. And every day I felt like I was learning something. Every day I felt like I was scared. Every day I felt like, what are we doing here? You know, what is Anand sir doing with me? And do I trust him? Do I not trust him? But at least I felt he was there with me every step of the way. And he was trying, we were trying together to create something new. Something hopefully different and special. So for me as an actor, as a performer, I learned a lot in the film. And it was an experience which I gained from tremendously. And I forgot what your question was. That's okay. Anushka, I've known you for 10 years almost now, okay? 10 saal ho gaye. Those are no awesome. Idea who you are. Right from the time that you debuted. Listen, I know this, ke, you just have this energy, jiske wajah se aap samne wale ko bhi nervous kar rahe hain, because tu oldest lines use kar raha ladkiyon ke sath. Nahi, nahi, nahi. मैं 10 साल से जानता हूँ जो तुम्हारी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, सर भाई बट आजकल नहीं चलता. नो 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 नो, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, शी हैज दिस काइंड ऑफ बबली एंड नर्वस एनर्जी. यू फील नर्वस यार? या, सो आई दैट यूज्ड टू हैपन टू मी. आई यूज्ड टू थिंक, यू नो, क्या करना है, व्हाट डू यू, व्हाट टू डू नेक्स्ट, बट देन आई जस्ट रियलाइज्ड यू जस्ट हैव टू लुक, जस्ट एंजॉय, जस्ट टेक इट ऑल इन एंड देन यू विल बी फाइन. सो इमेजिन, ऑलवेज एंटरटेनिंग. आपको आनंद सर कहते हैं कि तुम ही एक फिल्म कर रहे हो जहां पे तुम्हें बैठना है अनुष्का. You're not moving too much except the chair on which you are. What was the thought? I mean, you know, I'm playing a character who has a cerebral palsy. So it was something that I realized that was going to be very challenging, because the only way I could emote everything I was feeling was, and emote so much, I mean, my character really goes through like these ups and downs in the film, was by just
really being centered and being on that chair and kind of not moving. In fact, I used to come on set and just be there and only get up jab agar mujhe you know lunch khane jana tha wapas. Main usi chair ko ghumati rehti thi pure set mein, so I get used to it. And I think as an actor, aap chahte hain that you get opportunities jahan pe aapko alag alag cheez karne ko mile. And I'm very happy ki mujhe is film se ye opportunity mili. That was my biggest reason to want to do this film, apart from you know wanting to work with Anand sir and Shah Rukh again and Katrina. But it was this, because mereko lagta hai ki ye is film mein maine kuch aise karne ki koshish kari hai jo mere liye mushkil to tha, but at the same time itna rewarding tha. कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी जगह में कभी कभी पाया कि मैं इतना चैलेंज फील कर रही थी कि आई वाज लाइक यार ये मैंने करा शुड यू नो द डाउट दैट इवन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि यार मैं कर पाऊंगी ये बिलीवेबल लगेगा एंड आई वुड कीप टेलिंग हिम आल्सो यू नो शाहरुख कैन आई टेक अनदर टेक आई डोंट थिंक इट्स ओके एंड ही बी लाइक यू आर फाइन मेबी यू आर फाइन इट वाज लुकिंग फाइन एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे लग रहा है आना सर मैं वापस कर लूँ एंड आई डोंट एवर फील सो नर्वस ऑन सेट्स यू नो यूजली जितनी ज़्यादा मैं यहाँ पे इस फिल्म पे थी सो आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेस्टर भी किया सर माइक पे एक सेकंड के लिए लीजिए पर ट्रस्ट मी सुरेंद्र तुम्हारी वजह से आज समझ खान साहब आज समझ में आया राइट कास्टिंग क्यों है अनुष्का क्योंकि ये बबली और चर्बी है इसलिए ये वहां बैठ सकती थी ये मेरे को अब भी जेन्युइनली अब भी समझ में आया कि इट्स मैं एक्चुअली एक सच बात बताऊं मैं अमूमन अभी जब मेरे को फिल्मों में पिछले 7-8 साल से लोग रोल ऑफर कर रहे हैं ना डायरेक्टर्स आके उनका एक अजीब सा है मैं पहले ही बोल चुका हूं ये बात यार बात कर ले बस कर ले जरूरी फोन तो नहीं है सर हां गर्लफ्रेंड का तो कर ले सब सुनेंगे तो मुझको ना हर कोई आके ये बोलता है सर आपके लिए पिक्चर चाहिए लेकिन हमें शाहरुख खान नहीं चाहिए तो ऐसा हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार नहीं चाहिए तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो आके मुझे बोलते हो ऐसा कुछ एक नया करेंगे एक तो ये ना री इन्वेंशन का जो चक्कर है ना यार बड़ा बोरिंग और बकवास है एकदम बिल्कुल एक बार इन्वेंट हो गया तो हो गया बार बार थोड़ा करते रहेंगे कि हम लोग प्लेन को री इन्वेंट कर देंगे ये कर देंगे दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट अ डायरेक्टर इज़ नॉट ओनली नॉट वॉन्टेड मी He's not also not wanted the heroines in the film. So I'll tell you this. Inki jo nature hai, ki ye bubbly hai jaisa aapne kaha aur outgoing or whatever, isko ekdam sthir kar do. Mere ko itna lamba hu, chota kar do. Aur Katrina, jo kar rahi hai, genuinely, I'll tell you something about Katrina because she doesn't speak too much out and you know, we just know her, unfortunately, unidimensionally. Hum log, kyunki main dost hu, isliye shayad bol sakta hu. She's extremely emotional, but she hides it very well and she's been able to do that for years only with personal friends she's like this to be able to invoke that out of someone who's very dignified very clear headed and as a matter of fact quite strict ye theek hai I'm sure breakfast time pe karti hai meri tarah hafte mein nahi nahati zyada nahati hai ye sab hai iske karte hain and both of them are completely contrary to what perhaps they are in real life and I think for an actor that becomes the greatest challenge For the director, actually, that is the most difficult thing. कि अच्छे स्टार मिले हम तीनों से वो करा लें जो हमको करना आता है लेकिन फॉर हिम जो नहीं एकदम कम्फर्ट जोन से निकाल के हाउ अनकम्फर्टेबल एंड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हिम एंड हिज टीम टू पुल दिस ऑफ एवरी डे विद थ्री स्टार्स हु वर्क्ड फॉर 15-20 ईयर्स एंड हु नो देयर बोन एंड दे नो इट एंड दे नो हाउ टू डू इट एंड टू से बिल्कुल नहीं कराऊंगा एंड टू कंटिन्यू कन्विंसिंग अस एवरी डे फॉर अबाउट 100 डेज फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट आनंद सर हैड विद यू Like, pehli baar jab mile, unhone aapko bataya. What was the first thing, jo conversation thi? You know, bahut emotional baat thi. Baithe, main Anand Rai ka naam bahut suna tha, Himanshu ji ka bahut suna tha. Dono baithe aur ek aisa khali sa moment gaya. Phir unhone kaha, tumhare ghar mein gol gappe hain? To main kaha, ji nahi. Okay. Tikki hai, tikki. Main kaha, nahi, bhel, safe puri. मैं कहने इसे अगली मीटिंग नरेशन की अब मेरे ऑफिस में हुआ करेगी ये इनके पहले शब्द थे मुझको जैसे ही उन्होंने ये कहा मगर ये पिक्चर तो करनी है यार ये वाली नहीं छोड़ूंगा मैं बट ही जस्ट सेड एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मैं आपसे वो सब छीन लेना चाहता हूँ जो आपकी स्ट्रेंथ है और मेरे पास एक फिल्म है और मुझे 1.5 पेज या 2 पेज के अंदर हिमांशु ने कहानी सुनाई और मुझे लगा कि मैं लूटने के लिए तैयार हूँ तो मैं आ गया यहाँ पर मैं कहा लूट लो मुझको वाओ Wow. All right. We move to the questions from the audience, sir. Aapka ex- yes, ma'am. Aapki ex- we- okay, wait. We'll come to the lady and then we'll come to you, sir. No, just stand up. Sir, ye jacket fit kaise aa gayi aapko? Yeah. Sir.
That's it. Shah Rukh on your right. Viral picture. Shah Rukh. On your right. Shah Rukh. Udher. Right. Ma'am, wait. We are going there. Sir, on your left. There. Third row. Shah Rukh, Janam Din ki dheri sari shubhkamnaye. Dhanyavaad. Thank you so much. How are you? Good, good. Thank you so much. You are looking as handsome as ever. Shah Rukh, suna hai ki ye film ka jo role hai aapka, dwarf ka, it's a very toughest role till date. तो आपको भी क्या ऐसा लगता है? What were the really physical challenges to play this? No, honestly मैं आपको बोलूँगा मेरे लिए ये easier था. Genuinely अनुष्का के लिए बहुत difficult है क्योंकि the किरदार she's playing is based on something which at times is a special ability or a disability as is not to be said now. You know to pull that off मैंने बहुत थोड़ा My Name Is Khan में किया है. वो बहुत ज़रूरी होता है उसकी जो detailing है. कहीं पर भी वो गलत दर्शाया ना जाए. एंड सिमिलरली फॉर कटरीना बिकॉज लाइक आई मेंशन पर्सनली आई थिंक मेरी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आसान हमारी सिनेमाटोग्राफर टीम ने और वीएफएक्स टीम ने सॉल्व कर दी थी. आई थिंक उन्होंने हमको इतना हैरी आई डोंट नो इफ ही इज़ हियर और नॉट ही गेव अस सो मच फ्रीडम दैट आनंद सर माईसेल्फ एंड ऑल द क्रिएटिव पीपल हिमांशु ऑन सेट्स एंड ऑल द चीफ एडीज अनिरुद्ध वी हैड द फ्रीडम कि यार हम अपनी एक्सप्रेशन करें. दे आई ऑल्सो आई थिंक इन मोर ऑफन देन नॉट वी डिडंट बाइंड द अदर एक्टर्स कि यार ये टेक्निकल है आप लोग को. ऑफकोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस ऑन अनुष्का स्पार्ट एंड कटरीना स्पार्ट एज एक्टर्स टू वेट फोर आवर्स बिटवीन शॉट्स. आई थिंक मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज जब पहली बार 8-9 महीने के बाद वो बनकर आया जो आप लोगों ने पहला टीजर देखा था तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारे को बहुत फ्रीडम है. और आज भी हम जब फिल्म ख़त्म कर रहे हैं पोस्टिंग में है अभी दे लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग अबाउट दिस वीएफएक्स स्टफ. सो इट्स बीन ईज्ड ऑफ सो इट वाजंट सो डिफिकल्ट फॉर मी एज आई थिंक वाज फॉर द एक्टर्स फॉर द कैरेक्टर्स प्लस द पेशेंस दे हैड टू शो विद मी. एक सेकंड मैम देयर इज दिस जेंटलमैन हु हैज बीन वेटिंग टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर रियली लॉन्ग. सर आप पूछ लीजिए ना आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है. Thank you very much. Thank you. What the young days means? Teri kya umar hai? Daadi ko dye kiya na tune? Dye kiya na daadi tune? Fir kya bol raha hai tumse young age? अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी. हाँ अब्बू बुड्ढा है ही है. जो आए नहीं बट ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तेरे को यार कि सीरियसली अगेन मैं बार बार हमारी टीम पे ज़्यादा जा रहा हूँ मेनली बिकॉज ये ऐसी फिल्म है जिसमें जेन्युइनली फिल्म बनानी नहीं है फिल्म जीनी थी. और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और रोज़मर्रा की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. पैसे की दिक्कत होती है घर की दिक्कत होती है छोटी छोटी नौकरी की दिक्कत होती है. और ऐसा आप लोग मुझे सालों से जानते हैं मैं कभी इस बात को झुठलाता नहीं हूँ. मैं बाहर से मूवी स्टार हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं बट सेम दिक्कतें सबको होती हैं. बट एक जगह पर आकर यार ऐसा करना ही पड़ता है जिंदाबाद कि यार ज़िंदगी काटनी नहीं है हमें यार हमें जीनी है बिकॉज एक ही है. और उसके अंदर जैसे मैंने बोला ये प्लीज़ मेरा फ़लसफा हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं आप में से कुछ उम्र में छोटे हैं ये तो नहीं है बाकी आप लोग हैं उम्र में छोटे जो शायद मुझसे अभी मिलना शुरू हुए हैं. और मैं बहुत वक्फे में मिलता हूँ क्योंकि फिल्में कम आती हैं बट जेन्युइनली ये बात मेरी मान के चलेगा आई रियली थिंक ऑफ यू एज माई ओन ऑल ऑफ अस एंड इट्स समथिंग आई टेल माई चिल्ड्रन दैट एट द एंड ऑफ इट ऑल वन लाइफ वन बिलीव एंड दैट इज़ लिव इट फुलेस्ट. और अंत में ठीक ही होगा यार जो भी आप मानते हैं भगवान में मानते हैं खुदा में मानते हैं गॉड में मानते हैं जिसकी भी आप पूजा करते हैं माँ बाप की पूजा करते हैं उनको सीनियर मानते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं व्हाटएवर यू बिलीव इन
that force will make it all right. Think positive, don't think negative for others, believe in the goodness of life, and it will reward you again and again and again. And keep you younger looking also. This gentleman who's in the white shirt. Shastar, first of all, happy birthday. Thank you. It's a great trailer. I liked it really a lot. But the question is that, you know, with time, Bollywood has also evolved and the films have also evolved. But if you see VFX, you are the one of the first few to introduce it in Bollywood with Rawan. And you've done films like Fan and now Zero. It's a difficult film to execute on screen. Does that make it, or does that interest you more when there is something related to technology in a film? No, I think I'll keep it short, because I think I've said this very often. I think a technology is should be there in everything. See how your telephones have changed over the 5 years here. So much is happening. You guys are beaming this live, you know, which wasn't possible even say 2 years ago. You know, so much has changed. And if technology is available, it can only enhance the vision of the visionary director. So it's there. I think not only in Red Chili's visual effects, there are other really wonderful companies doing work. But unless you have a director who has the vision, and it's shocking. When I got to know with Anand sir, 6 months into the film, he said, sir, maine to zyada green screen kabhi use hi nahi kiya pehle. He's never used a VFX in his film for paucity of time, finances, first film, or just by desire. You know, you can do that, but I think this technology is necessary for a visionary director like Anand Rai to really take the vision and take the flight, to really not kato zindagi, to jio zindagi. I think cinema should take it there, and with the falls and footsteps into cinema theaters, with every small device having a cinema, I think the big film experience can only be enhanced by the vision of a director, and that you have to use it as a tool, and it should be. It doesn't interest me personally. But it most certainly is something, as a person who's involved in films, if I can bring it to the table, I think it'll be the greatest return back I can give to cinema. One second. Aapke haath mein ek dabba bhi hai. Ek second, ma'am. There's a question coming here. Sorry, I have one ek more question. Ek second. Ha. In addition to that, to the three of you, you know, you said that it's a director's vision. The last time you guys had done a film, it was by a special person called Yash Chopra. This time it's by Anand Rai, who's equally revered in terms of filmmaking. How different were equations on the set, you know? How easy was it to work with him, and how easy was it to work with yourselves? Because it is the second film that you're doing together, three of you. Yeah. बहुत लंबा सवाल था. I think he is a very easygoing director. He doesn't create a sense of stress or like this heaviness on set कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा important कर रहे हैं और हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं which is really done for the very first time. But he wouldn't make a very big deal of it. He would be like how he's on any other ordinary day when we're shooting a simple montage sequence. And I think that shows his confidence as a director. And I think he's supremely confident as a director. His vision is very, very clear to him. And that's very easy for actors, because then you can really like just, you know, rely on him and trust him. And I think I found it very easy to trust him. And I think I would always be able to follow his vision very, very clearly. And I think somewhere he is so loving as a person, you know, and he really, really takes such good care of people around that you never feel like aap kaam kar rahe hain. You know, it seems very easy. And even though, and I keep insisting this, even though hum logon ne kuch aisi cheeze kari hain jo asaan nahi hai karna, you know, despite that, he would just make the experience so easy. And I don't think ki asaan hota agar wo nahi hote aur wo ye picture direct nahi kar rahe hote to kaafi mushkil aur irritating ho sakta tha. But he made it very, very simple for us. Hi, Anushka. You had a question, ma'am. Hello. Ma'am, one second. I've already like hello, told hello, him. Hello. Aap poochiye, ek second. Ek minute. Go ahead, ask a question. Oh ho. ये तो गिफ्ट लेके आया है आपके लिए और वो कुछ वक्त वगैरह का फुल लाइक इट्स अ रिडल घड़ी लाया है. हाँ कैच करो फेंक
मैं पैक पक्का पहनूंगा, अभी पहन लूंगा मैं. हां हेलो साथ में फेंकने ले जाएंगे. शाहरुख जी, हाय अनुष्का. ओके 3 or 4 मोर क्वेश्चंस. शाहरुख जी, मेरा सवाल आपसे है. यहां पे किधर हां हेलो. सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की मुबारक. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप ठीक हो? बार बार दिन ये आए और आप अच्छी अच्छी फिल्में करते जाए. हर रोज होना चाहिए ना जन्मदिन मेरा. राइट. हम लोगों को भी मजा आएगा. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये आपसे पहले एक बार कमल हसन जी ने पिक्चर की थी अप्पू राजा, जिसमें उन्होंने बौने का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी. लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म के लिए आनंद एल राय जी ने बहुत सारे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था, उसमें से सलमान खान भी थे, तो आपने जब ये फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके? एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊंगा, ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर आया यार, तो देखो कर दे. सो एक सेकेंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वॉज दिस, कि मैं इस पिक्चर में हूँगा ज़रूर. और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें, वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें. उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार, चलना तो यार टाइम करो छोटे आदमी को, किसी को मास्क पहना बच्चों को पहना. तो हमने वैसा नहीं किया, लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग, ये बहुत कम लोगों को मालूम है. और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार. See, if I was listening to a film for whatever reasons, and if I wasn't part of it, for him to remember that a year later or months later, when the film was actually being told to Katrina, to come back and say, "Yaar, is picture mein mujhe karna zarur hai because I've heard this film." So I think that was very dignified and decent and loving of him, of course, as a friend. So that was the reason. Aur ye tha na sawal? Shahrukh. Yes, ma'am. Ma'am, there. Yes, ma'am. Hyderabad se? Yeah. Wonderful. Hi, sir. Oh, he's busy with watch. No. I'm sorry. Happy birthday, sir. Thank you. So, gift lai ho? Nahi, sir. Main aayi hu. Hyderabad se khub sari wishes for you. Thank you so much. Sir? Tum Hyderabadi. Tum sahi bole ji. Nakko. Telugu bolenge, sir? Haan. Bhavnara. So cute. Now today, you know, all audience Telugu will be feeling so happy, sir. Bhavnara. Chala Bhavnara. Yeah. वो आपके मुंह से तेलुगु सुन के ना उनके साथ में जो बैठी हुई है उनके कंधे पे हंस रही है, खुश हो गई कि कह रही क्या तेलुगु सुनने को मिल रही है. कितना अच्छा, ही स्पीकिंग सो वेल. हां, मोना शाहरुख खान ऐसा बोलते ना, ऐसा है ना, आई एम शाहरुख खान, ऐसा ना. मोना नहीं, नेनू शाहरुख खान. नेनू शाहरुख खान. नेनू ओनली, आई मीन नेनू. मुन्ना है बाबा. सॉरी. अच्छा सर, यू आर अ किंग ऑफ रोमांस. सो हर टाइम यू नो, so I can see in the posters you're having full fun, and especially I want to ask Katrina and Anushka, how tough, because pehle to sir pure full age matlab pura height wide milti thi na, fir niche Katrina ko thoda jhukna pad raha hai, aapko upar dekhna pad raha hai. dekho inki umar ho gayi hai, kya chalta raha thoda, iski shaadi ho gayi hai, iski shaadi ki umar hai, bacche honge, bachchon ki aadat dal raha hu unko main, bachchon ko bhi yaar karengi na, god mein uthayengi to uski aadat dal raha hu dono ko main. apni heroines ko pura train karta hu, end tak chhodta nahi hu main. So, इसलिए तो they all know practice now, जैसे बच्चे होंगे लेके घूमेंगे तो ये याद करेंगे मुझको. okay. 10-12 साल 15 साल बाद इंशाल्लाह, जब इनके बहुत सारे बच्चे होंगे. wow, बहुत सारे पूरी क्रिकेट बहुत सारे इंशाल्लाह. कटरीना क्यों करेगी क्रिकेट? क्रिकेट आ जाता है अनुष्का मैम को देख के, क्रिकेट याद आ जाता है पता नहीं क्यों. Hi Anushka, this is Urvi to your right. Where? Anushka. नहीं हुआ था क्वेश्चन, he didn't answer. सर ने आंसर नहीं किया. नहीं, she wants to give. And Katrina ma'am. आप भी करो. How did it feel to work with half of them? यार मैं सीधे देख रही हूँ एकदम. हाँ. क्योंकि I don't have to. Yes. I have to look. मैं in fact हमारा रिश्ता ही बराबरी का है. Very good. Very good. मतलब तुमने trailer देखा है यार, तुमको पता होना चाहिए. दो बार देखा है. Katrina, this question is for you. Yes. Cute Shahrukh Khan, बार बार नीचे थोड़ा मुश्किल हो रहा था ना. I think she wants to do this. It is tough. Yeah, I think she's trying that. It was tough. It was unusual, honestly, because
the relationship, you know, the natural equation that, you know, we have or you have with a person who's like that, and the equation you will have with a character like the character in this film, it is different. So you do have to, I would have to be continuously conscious of that. That, you know, this height element is there. This is a person who's of a shorter stature, but the character doesn't feel himself that he's any less, and he isn't, of course, but he's got such a lively personality. He's got this amazing, you know, joy and passion for living. So it was just tricky to keep it in mind and make sure it was handled in the right way. But I think that Anand sir was there with us, and that was, you know, first he was time there when to make sir sure. came for a shot in that, like, but is it chota hoke thoda yeah. No, actually, it's imagination. No, it's a very technical way that the film is shot. So I don't know if you want to give out how it's shot, sir, but anything you would like to add up on that. Sir, मैं छोटा हूँ, लंबा हूँ, किस तो मिलता ही है मुझको. मतलब तो किससे हमको बाकी क्या लेना देना है. हाय अनुष्का, तुम लोग तारों के बारे में सोचो. हम पूछ रहे थे किस होने में मुश्किल हुआ वो. नहीं मैं तो तुम्हें अभी मेरा लाइन है उसका, यार तुम लोग तारों के ख्वाब देख रहे हो, हमने चांद को करीब से देखा है. क्या तुम लोग का यार. हाय अनुष्का. ओके मैम, मैम पांच सवाल आप ही के हो गए हैं, आपने स्लैम बुक भरवा ली अपनी. अब मैं किसी और की तरफ बढ़ू प्लीज. एक सेकेंड मैम. यस cutting it off yaar again and again. Let us finish. There are two three people who want to. Oh, sir, I am so sorry. Okay, ek second, unka sawal hai Anand sir ke liye. Let Urvi finish and then we'll come down. Okay, Urvi go ahead. Nahi ek second, Urvi tumhe permission mil gayi. Chalo, sorry, we'll come to you, darling. Urvi, Anushka, my question is to you. The year you started off with Pari and then you had Sui Dhaga, which also did very well, and now you have Zero, and which looks absolutely blockbuster. How do you feel that 2018 has been professionally really good for you? You know, it actually has been, and I'll tell you what's most special. जो मैंने कल ही realize किया कि इस साल मुझे industry में 10 साल होंगे, और मेरी पहली film रब ने बना दी जोड़ी थी, और उसी महीने में 10 साल बाद I'm doing another film with Shahrukh. So I think it's a beautiful circle, you know, of life that's come together like Zero. सो आई थिंक ये सब कुछ, और जीरो से हर चीज़ की शुरुआत होती है. हमको शून्य का मतलब तभी मतलब हमको नंबर्स का मतलब तभी समझ में आता है क्योंकि वो शून्य से बाहर निकलते हैं. सब कुछ शून्य से शुरू होता है, वहीं पे ख़त्म होता है. तो आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा, एंड आई थिंक आई हैव हैड सम रियली अमेजिंग रोल्स, इंक्लूडिंग माई रोल ऑफ आफिया इन दिस फिल्म. एंड आई एम हैप्पी कि जैसे बाकी फिल्म और बाकी रोल्स की जो अप्रिसिएशन मिली है एज एन एक्टर, आई होप आई गेट दैट इन दिस फिल्म ऑल्सो. And I'm glad, like I said again, that the opportunity was given with this film. Shahrukh here. Yeah, Jhansi ki Rani. हाँ, बताइए. Okay, so sorry. उनके हाथ में माइक है, मेरे को तलवार नजर आ रही है बस अभी फटफट. Okay, Priyanka, this side. I have two questions. One question, like Anushka gave a very beautiful explanation of Zero. So, what is the meaning of Zero in your life? Honestly, you know, one never thinks of it, apart from the fact because मैं थोड़ा scientific हूँ कि आर्यभट्टा साहब ने जो है. Zero is the gift that the world has got because of India. So it really is the first Make in India thing that we have. And without it, there is no counting, there is no accounting, there is no knowing how far or close we can be. Jiske peeche lag jate hain ya aage, hum Delhi mein aage bolte hain ya peeche bolte hain, life bana dete hain. And genuinely, there is, it's a whole, it's a complete, it's circular, and life is like that. So I have a lot of philosophical meanings of Zero. And apart from the fact that in our film, it also is the essence that how do you look at Zero? Do you see it as completeness or do you see it as nothing? And your choice has to be that you have to see it as completeness. It's the message of the film. कि हम क्या तीनों के तीनों जिस बातों से जूझ रहे हैं, मैं physically ये एक disability की वजह से and Katrina emotionally as characters, क्या हम उसको कमी समझें? क्या हम उसको शून्य ऐसे समझें कि कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, या उसको completeness समझें और उसको celebrate करें? So I learned actually. I think all of us, I'll be speaking for everybody here who's on the team and lots of them who are not, that I think while making the film being so difficult, I think we really learned the meaning of celebrating incompleteness. Wish you a very happy birthday, sir. Thank you very much. Okay, one last question which is coming from this gentleman here. So are bhai ho gaya bhai Shahrukh. Yes ma'am, wait ma'am, can I just after that you'll give me the chance. What on earth did I do?
तो सेम एक्सप्लेनेशन जीरो वाली मैंने दी थी, किसी ने कुछ नहीं सुना था उस टाइम पे कि जीरो से शुरुआत होती है। यहाँ पे तालियां। ओके, आप पूछिए। थैंक यू सो मच शाहरुख, पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड आपका एक डायलॉग मैं हमेशा फ्लॉन्ट करती हूँ, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ ड्वार्फ इन द फिल्म, एंड जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब आपको पता चला कि हम लोग कितने रेसिस्ट होते हैं कि हम लोग इंसान को छोटा कर या फिर यू नो दे आर नॉट फेयर, दे आर नॉट टॉल, दे हैव वेट, उन सब चीज़ों को लेकर के हम उन्हें यू नो रेसिस्ट होते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं। सो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंस द रोल इज ऑल्सो ऑफ अ ड्वार्फ? आपने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज अंकिता तिवारी। अंकिता, इस पुरमुसरत मौके पर आपका इस्तकबाल करते हुए मुझे बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सही कह रही, और कई जगहों पर, कई मौक़ों पर, कई सिचुएशन पे वी आर यू नो, ये होता है कई लड़कियाँ हमेशा ऐसा करती हैं, बात कर लेते फिर सुनती नहीं मेरी। वाह, सुन तो ले, नहीं सुन रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, उधर देख रही थी, सब दूसरे लड़कों को भी देखना शुरू हो गया कि मैं एक सेकेंड आपके पास भी आ रहा हूँ। सबसे सारों के सवाल कर लेंगे हम, यार फिक्र नहीं करना प्लीज़, जो बहुत दिनों बाद मिले हम। सो अंकिता, द थिंग इज दैट या वी आर वेरी क्विक टू जज, एंड मैं फिर से अपना ही एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज आई डोंट नो, आई फील आई कुड बी समवन हु कैन गोड गिव पॉजिटिविटी टू पीपल टू बिकम बेटर, बिकॉज मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा हुआ। आई लिव्ड अ ड्रीम लाइफ। या जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक था, और वो एक्टिंग का शौक ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था। मैं आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज शी इज सिटिंग, आई थिंक विराट हैज़ गॉड्स गिफ्ट, आई वॉजंट दैट गिफ्टेड मे बी, और सचिन तेंदुलकर और यू नो दिलीप साहब और सम ग्रेट एक्टर्स, बट मुझे शौक था। और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक ख़राब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज़ हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट, एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूँगा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा, और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, बॉस को यहाँ बैठा है नहीं आता डांस तो करवा देगा यार, कुछ कर लूँगा, समथिंग विल हैपन। And I think this judgmental nature that we have, and I would like to tell all youngsters, because I think somewhere we have become even more and more judgmental. You know, the comments that I read sometimes, everyone jumps the gun to tell you how bad you are. Can you stop yourself and think for a moment how wonderful you are within this given non-niceness of the world that exists between us? Ek kahani sunaunga Arjun aur Krishan ji ki aapko. Arjun Bhagwan aur Krishan ji ja rahe the, mara hua kutta, maine pehle bhi sunai hai. बट आप पहली बार मुखातिब हो रही हैं इसलिए मैं आपको फिर पहली बार सुना दूँ। मैं सेम लाइंस लड़कियों पे बार बार यूज़ करता हूँ जो पहली बार मिलती हैं। सर, एक कुत्ता मरा हुआ था, और अर्जुन जी ने कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या देखा तुम्हें? तो अर्जुन जी ने कहा ओ, इसमें से बास आ रही है, अरे कैसा सड़ जाता है ना मांस, ऐसा हो गया, आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉन वेज पीपल, बट बहुत ख़राब लग रहा है, देखो कैसी अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। एंड कृष्ण जी ने कहा उसके चमकते हुए मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे तुमने? Because now if you think of, you know, when animals and everyone, you know, they die like this. And he said, didn't you see that? So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that, you know, instead of being judgmental, let's try and find something nice about everything in life. And it'll be much nicer. You enjoy it more. Ek second. One second. Sir, aapne bol to diya, sabke sawalon ke jawab milenge. Kyunki main gaali khaunga. Panch aur kar lein. Panch karte hain. Haan. ओके, वन क्वेश्चन का भाई अब तो पूछ लेने दो इस लड़के से, अभी करेंगे पार्टी करेंगे इसके बाद, ठीक है? यस यस, प्लीज स्टैंड अप, आस्क योर क्वेश्चन ब्रो। ओके, आंसर बोलो, एक सेकंड। सर और बउआ नाम जी जी, मैं उन्हीं को ही देख के खुश हो रहा हूं। हाँ जी, क्या? मैं सॉरी, मैं सुना ही नहीं आपको। आई थिंक दिस कैरेक्टर हैज गॉट एवरीथिंग जो मेरे में बिल्कुल नहीं है, सो इंस्पिरेशन वहाँ से भी आती है कई बार। बट हाँ, हिमांशु जिन्होंने कहानी लिखी,
तो मैं वो बताना भी चाह रहा था इन्हें कि हिमांशु तब तक पहले वो मुझे धक्का दे देता है कि तुम नदी में चले जाओ, मेरे को तैरना नहीं आता. एंड देन वो कुछ दो लाइनें देके मेरे को पुश कर देता है कि यू गो एंड ट्राई, डूबोगे तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं हाथ पकड़ लूँगा. तो इसमें क्या हुआ, इस बार हम लोग चले गए खान साहब के पास. तो खान साहब ने भी बोला कि अरे यार नदी में क्या डूब के करोगे, जाओ ओशन में डूब जाओ. सो ये सारी इंस्पिरेशन जो है ना मेरी वहीं से ही आ रही है. एंड ट्रस्ट मी, बउआ एक वैसा कैरेक्टर है कि इफ़ आई गेट अ चांस टू बी लाइक हिम, मैं बिल्कुल, शायद इसी वजह से मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ इस किरदार से, बिकॉज इसमें वो सब है जो मुझ में नहीं है. ओके, एक सेकेंड इसी को चूज करना जिसका दिन बुरा चल रहा है. मेरी हालत खराब हो रही है यहाँ पे कि सब गालियाँ देंगे मुझे. ओके, देयर्स वन लेडी राइट एट द बैक. यस मैम, यू कैमरा. आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस. नो वी विल डू देयर मैम, जस्ट यू मैम. आई विल डू इट. कहाँ हो आप? आई एम हियर. हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज़ शी वाज जंपिंग एंड देन आई. हाँ, इट्स लाइक शी एम्प्लॉयड यू. स्वागत है फ्रॉम मिस मानी. फर्स्टली वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. Now my question is, now that you have worked with Anushka and Katrina multiple times, can you say one thing, can you state one thing that you have learned from each of them? Honestly, do cheeze bahut zaruri hain. Actually, you know, they're wonderful co-actors and I love them and all that is known. Specifically, I've learned correctness and honesty from Anushka. She's extremely honest, correct, upfront. Ghum ghum ke baat nahi hoti, kuch nahi hota. Seedha, tarar, clear. And I think that's an amazing quality which I don't have. That's what I've learned from her. And with Katrina, genuinely main batata hun, to have her belief clearly in place and being able to discuss it with you and having this amazing nature to forgive you if you make a mistake. So forgiveness I've learned from Katrina, and honesty I've learned from Anushka. Aur agar aadmi forgiving or honest hai, toh I have become the best person compared to both of them now, because inke paas ek ek quality hai, mere paas dono ho gaye. There's a discussion going on between Anushka and Katrina there about the answer, I believe. Okay, one second. There's a ye gamcha pehen ke aap, ek second. Sir, you in the gamcha, please ask your question. I hope Katrina ke liye sawal hai. There's ma'am, ek second, just because you have the mic, you can't speak over me, ma'am. Okay. Thank you. But I hope one second, ma'am. Yeah. One second. There's a question coming from the gentleman here. Now you make me feel bad that I gave you the opportunity to ask the question. Who are they? I'm not sure which. You know Lindsay Lohan? No. मुझसे तो नहीं मिलाया तूने यार. Oh no, that's not actually quite correct. And I don't know exactly who you're referring to, but I think in this the oh the cartoon. अबे Beverly Hills में रहते झूके साहब बाजू में. पता नहीं तुम लोग बोल जाते. No, the only inspiration or the only the work that we did for creating this character honestly was really done between Anand sir, Himanshu and myself. There was not another third inspiration, and Shah Rukh has given me a look that seems to say his name should be in there, and of course it should be in there. And of course Shah Rukh as well, because huh? No. No, I don't know what you're going to say, so no. But say you love me. Oh, okay, fine. but no, there was no the inspiration did not come from any outside specific actress, whether in from any industry. It was very unique. The character was Anand sir was very clear what she was going through in her life, what he wanted to say out of the character, and how he wanted to me to portray it. So I had everything I needed here. From the team, I had everything I needed. It was just up to me to process it and execute it the way that Anand sir came up with. Okay, mics chal rahe hain sabke?
बंद हो गए ना, वो बैटरी खत्म हो गई आई थिंक, क्योंकि वहां पे एक और जनता जो वो इंतजार कर रही है. सो लास्ट टू सर, आप ही चूज करें. सॉरी द लेडी हु हैड द माइक, सॉरी यार, देयर वाज ऑन योर लेफ्ट, वेयर फ्रॉम इंडिया न्यूज़, ऑन योर लेफ्ट शाहरुख, ऑन योर लेफ्ट सर, वो लाइटों के बीच में उनकी परछाई दिख रही है. शाहरुख खान हैप्पी बर्थडे, थैंक यू शाहरुख खान, हैप्पी बर्थडे ओवर हियर. मैम आप बात कीजिए, सुनाई दे रहा आप. सर हैप्पी बर्थडे पूजा, यू आर फ्रॉम इंडिया न्यूज़. थैंक यू पूजा. एंड सर वेडिंग सीजन है बॉलीवुड में, रणवीर सिंह, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा सभी शादियां कर रहे हैं. अनुष्का यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग, एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मां ने शुरू किया था, इसने थोड़ा ट्रेंड इसने कैसे कर दिया. अनुष्का ने शादी की तो सब शादी, ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं. तो रणवीर, दीपिका एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स है प्रियंका एंड ऑल, सब शादियां सब क्या? सब करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा. मैं क्या करूंगा उनकी शादी पे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूंगा यार. वो करेंगे शादी, वो मजे करेंगे, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूंगा. मैंने जो करना था कर चुका हूँ. आप जा रहे हैं शादी पे? बार बार शादी करता रहूं, ऐसे थोड़ा होता है. अनुष्का आप क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड द जो ट्रेंड तूने शुरू किया था, होता इट्स लाइक एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा करते हैं. मैंने ना एक साइट पे देखा हुआ है, क्या कहते हैं, ए और ने फॉर द ट्रेंड, ये और ने. तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है उसके लिए ये, किनके ये बोलो सब. इसने जो ट्रेंड शो किया है, शुरू किया शादियों का, इससे पहले जो एग्जिस्ट नहीं करता था, और तुम लोग कैसे पैदा हुए मुझे पता नहीं, बट सब बोलो ने ने ज्यादा है. तो तेरा ट्रेंड फिर फ्लॉप हो गया. I think what she means, the lady, is that Anushka's wedding was so beautifully and classily done that it re-inspired us all in love again. And I agree with what you're saying, because I remember when I saw that picture, I got all sentimental and I was like, wow, yeah, that's so nice. And I know everyone felt that way, because it was, there was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love again, you know, in that moment. You're right. I also felt it. Maine bhi dekha, main kaha Virat Kohli se meri shaadi honi chahiye. Hi, Shahrukh, Sana from Indian Express. Serious note. Hi, Shahrukh, Sana Deepika from Indian Express. Is going okay. to start what? A new so journey. And Shahrukh, on a very serious note. One question. One. Yeah, oh, Shahrukh, sir, choose one question. My love to Deepika. Yeah, baby, I'm not going to understand. मुझे डराओ मत, डराओ मत, मुझे डराओ मत, मुझे. मैं समझ गया आप सर, पूछ आप रही हैं. मैं सब सुन रहा हूं. पहले मैं दीपिका और रणवीर को विश कर दूं, गॉड ब्लेस देम एंड हैप्पीएस्ट एंड गुडनेस टू देम. आई थिंक वी रियली एंड जेन्युइनली आई विल से इट, बिकॉज मेरे लिए ये ना बहुत कमाल की. और मैं अभी बात कर रहा था एक दिन करुणा से और पूजा से, मैं एक बात कर रहा था कि ये श्रीदेवी जी, माधुरी जी, उनकी शादी हुई, एक जो मेरा फर्स्ट यू नो द पीपल हु गेव मी अ चांस टू एक्ट विद देम, एंड देन आई हैव ओनली फ्लावर्ड एज एन एक्टर एज अ स्टार बिकॉज ऑफ द लव दीज लेडीज हैव गिवन मी. एंड देन द सेकंड जनरेशन केम अलोंग हु हैव गॉट मैरिड, एंड नाउ दिस इज द थर्ड सेट ऑफ लेडीज हु आर गेटिंग मैरिड, एंड आई गेट रियली रियली इमोशनल व्हेन दे गेट मैरिड. जस्ट द अदर डे आई कॉल्ड दीपिका ऑल्सो, एंड आई वांट टू गिव देम अ हग एंड से गॉड ब्लेस यू एंड बी एज हैप्पी एज आई हैव बीन इन माई मैरिड लाइफ, एंड माई लव टू दीपिका एंड रणवीर, एंड we'll all be there celebrating as and when they call us, because yeah. but really lots of love to them, and I've known Deepika, as a matter of fact both these ladies started their career with me, debuts, so that becomes even more special for me when they get married. Main pal post kitna bada karta hu fir shaadi karke chale jaati hain, but god bless her and god bless Ranveer. Yeah, okay, one ladies and gentlemen, bahar bhi log wait kar rahe hain. One more question ek aakhri wala sir, ek aakhri. हाँ, भूख लग रही है और फ्लाइट्स लेनी है. सॉरी ओके, वन क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन और वो वहां से नहीं. सर एक से अबू जी रुक जाओ ना यार, पूछ तो लिया यार. ओके यस मैम, आस्क योर क्वेश्चन, यू आर द लास्ट वन. ओके, कैन आई ऐड टू दैट क्वेश्चन, देयर इज वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट द फिल्म, के बहुत कमाल की लाइंस हैं जो आई थिंक कुड बी लेसन्स फॉर लाइफ, कि जीरो अगर किसी के आगे लग जाए तो जिंदगी सेट कर देता है, चांद वाली बात. इफ दिस वन लाइन या एक डायलॉग जो आई थिंक रेजोनेट करता है खुद की जिंदगी से, दैट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हाँ यार ये तो जिंदगी का फलसफा है, ऐड कर दिया. मेरी फेवरेट लाइन है, अगर हिमांशु अलाउ करेगा और आंसर अलाउ करेंगे तो बोलूंगा, जो फिल्म में अभी है नहीं. एक सेकंड हिमांशु जी, लेकिन हम यूज हाँ या ना
पहले मानचु से पूछ लो ओके हाँ या ना यूज़ करेगा पक्का बोल दूँ अभी एक्सपोज कर सकते थी चीजें कर दूँ नए पिक्चर की बेस्ट लाइन है यार ये सबके लिए कटरीना के लिए और अनुष्का के लिए दोनों के लिए ले आपने तीनों खान यहीं खड़ा हूँ मेरी जान ये लाइन ये मेरी फेवरेट लाइन है पिक्चर की तो ये फलसफे की बात सारी हो गई अच्छी अच्छी बातें सारी हो गई अब्राम ने मुझे एक पुरानी दिवाली की गिफ्ट वापस कर दी हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट बनाकर जो घर में आई थी तुरे आके बोला पापा इट्स योर बर्थडे हियर इज अ गिफ्ट तो किसी की दिवाली गिफ्ट जो आई हुई थी वो खुलवा के उसने मुझको दे दी मेरे बच्चे बड़े दिल वाले हैं एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल यार मैं आई नो थोड़ा सा कम है कुछ लोगों को वक्त नहीं मिला आपको नहीं मिला बोल देगा छोटा सा बोलेगा तो जवाब दे दूंगा हाँ ऐसे बोलता रहे थैंक यू Yeah, none of it is done. We have to do a lot of compliance for it. So those deals we'll tell you. I mean, business wali baat mein chale gaye to yaar phir bahut abhi kya apna Meerut ke andar bhi teen theater mile apne ko wahan par bhi ek apna Nainital ke andar char hai aur apna Satara ke andar jo opening lag rahi hai na apni bada discuss mat karo business ek din baithte hain aram se karenge but I just want to thank you for your wishes and I just photo bhi khich raha hu. I first of all on behalf of our team thank you for doing this man. God bless you and all of you for being so dignified. So decent and so sweet because you know when I was sitting with Anushka and Katrina behind when it's your film and it's going out for the first time I think all of us are equally nervous all my little girls are here Suchi and Ruchi and Swati and all of them everyone is really really nervous okay when the film is going on and we were all waiting outside and you know you're presenting it to the world for the first time as strange And this is not trying to praise you. You are the world for us at this moment in time because you've seen the film first. You're the first people. This is the first time we're showing this film to anyone outside. So thank you very much for making us less nervous. And I want to apologize if anything I've said is wrong in my sense of humor. I only say it because you guys are all family. And I want to really, really thank you on behalf of Color Yellow and Red Chilies and all these people. There's so many of our team here. I'm not taking all their names for being so dignified. So beautiful and more than that giving us the confidence to sit here and not feel nervous about a trailer so you're the first people to see it and there could not have been better people to see our film so thank you really and thank you for your birthday wishes also there's a gentleman who is not here but of course music jab aayega to pagal hone wala hai the one song that is already out Bhushan Kumar from T series of course T series pe music jo aap sun payenge but sir I think ab wo photo wali cheez and then we have a surprise yeah we'll So, सामने हाँ सामने फोटो तो फोटो पे जा रहे हैं हाँ यार वो ऑल फोर बहुत सारे एक्टर्स भी नहीं है सर एक बार मेंशन कर दो सबका यहाँ पे है नहीं सर जीशान यहाँ पे है जीशान यहाँ पे है कहाँ छुपेला बेटा तू वहाँ वहाँ बिल्कुल सर जीशान इज हियर देयर सो मेनी ऑफ अस आप एक बार सारे एक्टर्स वगैरह कुछ मैं भूल गया हूँ तो सबको बोल दो सर प्लीज जितने हमारे प्यारे बच्चे बिल्कुल तिग्मांशु धुलिया शिवा जी ब्रजेंद्र काले जी माधवन और अगर मैं और कोई भूल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए अभय देओल कुछ सरप्राइज छोड़ देते हैं हाँ. इसके बाद और बहुत सारे दोस्त सो थैंक यू ऑल थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर थैंक यू सो मच अनुष्का हैज समथिंग टू से वी आल्सो लव यू शाहरुख बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड रियली व्हाट ही सेड आप लोगों ने हमको बहुत ईज आउट कर दिया वी वर ऑल लिटिल नर्वस विद द ट्रेलर एंड आई एम हैप्पी ऑल लाइक्ड इट सो थैंक यू सो मच Katrina, thanks guys. That's what happens when you're last. Everyone has already said everything that needs to be said. But thank you, and always so wonderful to meet you all. And you always we also get so much love for meeting you. So thank you everyone for coming here today, and we really love you all. And we also love you as well. Yay! Karan Cinemas. Okay, aye.
then I told him ki bhai tu mic off kar de jab main jaunga na tab on karna